राजस्थान की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसकी वोटिंग 13 नवंबर को होगी। इससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की हॉट सीट बनी 84 विधानसभा वो सलूमपुर विधानसभा सीट पर कौन होगा भारत आदिवासी पार्टी का उम्मीदवार। इस बार बीजेपी भारत आदिवासी पार्टी का सामना कर सकेगी। कौन होगा भारत आदिवासी पार्टी का 84 का यहां का नया उम्मीदवार, पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। उपचुनाव को लेकर पर्पल की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दिया गया है। M3 के न्यूज टेलीग्राम चैनल पर आपको पल-पल की अपडेट उपचुनाव से जुड़ी न्यूज मिलती रहेगी। सभी साथी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दिया गया है। राजस्थान की 7 सीटों के साथ वागड़ की 2 सीटों के उपचुनाव होने हैं, जिसमें 84 विधानसभा व सलूमपुर विधानसभा सीट शामिल है। यहां की स्थानीय पार्टी भारत आदिवासी पार्टी की इस बार की तैयारियां जोरों से चल रही है। इस उपचुनाव को लेकर पार्टी के पास 2 और नए विधायक आने की तैयारी पार्टी ने पूरी कर दी है। 84 विधानसभा सीट से राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद यहां से नए उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली के तहत भारत आदिवासी पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा करती है, जिसमें सभी सिलेक्शन प्रणाली पूरी हो गई है, बस अब अंतिम चरण बाकी है। 84 से भारत आदिवासी पार्टी के 3 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक नाम काफी चर्चा में है। भारत आदिवासी पार्टी से नए उम्मीदवार के तौर पर पोपटलाल खोखरिया 84 विधानसभा के नए उम्मीदवार होंगे। भारत आदिवासी पार्टी की आधिकारिक अभी तक घोषणा नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पोपटलाल खोखरिया भारत आदिवासी पार्टी वह 84 विधानसभा के नए उम्मीदवार होंगे। चलुम्बर विधानसभा सीट को लेकर 3 नाम सामने आ रहे हैं। चलुम्बर विधानसभा से सिलेक्शन प्रणाली के तहत सभी राउंड क्लियर हो गए हैं। भारत आदिवासी पार्टी के चलुम्बर विधायक पद की ऑफिशियल घोषणा होनी है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा जीतू भाई कटारा की हो रही है। जितेंद्र कटारा भारत आदिवासी पार्टी के चलुम्बर विधानसभा से नए उम्मीदवार होंगे। विधायक पद के उम्मीदवार को लेकर पार्टी ने अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। मिली जानकारी के अनुसार जीतू भाई कटारा एक बार फिर भारत आदिवासी पार्टी चलुम्बर विधानसभा के उम्मीदवार होंगे। इस दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव को लेकर भारत आदिवासी पार्टी कड़ी तैयारियां कर चुकी है। पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबले में जीतू भाई कटारा ने 55,000 के आसपास वोट लेकर आए थे। इस बार सलूमपुर विधानसभा सीट को लेकर भारत आदिवासी पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत द्वारा दोनों सीटें भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में आने की बात कही है। राजकुमार रोत ने बताया कि 84 व सलूमपुर उपचुनाव में दोनों सीटें भारत आदिवासी पार्टी की झोली में आ रही है। भारत आदिवासी पार्टी द्वारा 84 विधानसभा उम्मीदवार की व सलूमपुर विधानसभा उम्मीदवार की पार्टी द्वारा ऑफिशियल घोषणा जल्द ही होने वाली है। चलुम्बर विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां से बीजेपी कांग्रेस व भारत आदिवासी पार्टी इन पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में होंगे। त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार कड़ी टक्कर होगी। पिछली बार विधानसभा चुनाव की तरह भारत आदिवासी पार्टी इस बार भी उपचुनाव में उतर गई है, जिसके बाद से चलुम्बर विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। इस सीट को लेकर मुकाबला और ही रोचक होगा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर पल-पल की अपडेट से जुड़े रहने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर दें, ताकि आप हर न्यूज से अपडेट रहें। सभी साथी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें। भारत आदिवासी पार्टी की उम्मीदवार की ऑफिशियल घोषणा करते ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो फर्स्ट कमेंट